आखिरकार लगातार 2 साल कोरोना के कहर के बाद फिर से एक बार रोजमर्रा की गतिविधियां तेज होने लगी है, लेकिन इन 2 सालों में कहीं सारे स्टूडेंट्स ने घर पर बैठे बैठे ही ऑनलाइन स्टडी करके ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। लेकिन आज के समय में फ्रेशर्स को जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में डिप्लोमा या बैचलर डिग्री है और साथ में कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो जॉब मिलना और भी मुश्किल है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट फील्ड यानी HSE में आपका करियर बनाना चाहते हो तो आपके पास क्या एडिशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और HSE फील्ड के बारे में काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि लकीली और अनलकीली आप बहुत सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि हम हमारी चैनल पर हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इम्पोर्टेंट डेज के वीडियोस बनाते रहते हैं। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो एटलीस्ट साइंस ग्रेजुएट है, मतलब कि जिनके पास बैचलर ऑफ साइंस या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियर या फिर डिप्लोमा की डिग्री है। ऐसा नहीं है कि जो लोग साइंस ग्रेजुएट नहीं है या फिर जिनके पास इंजीनियरिंग या डिप्लोमा की डिग्री नहीं है वो लोग HSE में नहीं आ सकते। 10th या 12th कंप्लीट कर छोटे मोटे कोर्स कर आप हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट फील्ड में आ सकते हो, लेकिन जिन लोगों के पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस नहीं होगा वो HSE फील्ड में प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट यानी HSE फील्ड के बारे में। कोई भी कंपनीज में या फैक्ट्रीज में HSE डिपार्टमेंट की एक अलग अहमियत होती है। HSE डिपार्टमेंट वर्कप्लेस के हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करता है जो हमारी हेल्थ एनवायरमेंट और प्रॉपर्टीज के लिए हार्मफुल होते हैं। उसी हैजार्ड्स को इवेल्युएट भी करते हैं और उसे डिफरेंट तरीके से कंट्रोल भी करते हैं ताकि वर्कप्लेस के हर एक वर्कर एनवायरमेंट और प्रॉपर्टीज को सेफ रखा जा सके, किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई प्रॉपर्टी लॉस ना हो, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन ना हो और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका HSE डिपार्टमेंट के लोग ख्याल रखते हैं। अल्टीमेटली HSE पीपल आर दोस पीपल हु वर्किंग 24/7 ऑन हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट ऑफ देयर वर्कप्लेस। चलिए अब जानते हैं HSE फील्ड में कौन कौन सी पोस्ट होती है और कौन कौन सी जॉब मिल सकती है। HSE डिपार्टमेंट में सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी स्टीवर्ड, सेफ्टी एग्जीक्यूटिव, HSE मैनेजर, HSE ऑफिसर, फायर ऑफिसर, फायर इंजीनियर, फायरमैन, फायर एग्जीक्यूटिव, एनवायरमेंट इंजीनियर, एनवायरमेंट मैनेजर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ डॉक्टर, इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट, ऐसी डिफरेंट पोस्ट होती है। चलिए अब जानते हैं कि क्यों कंपनीज HSE पर्सन को हायर करती है। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट में यह पाया गया है कि हर साल 2.3 मिलियन लोगों की मौत ऑक्यूपेशनल डिजीज, इंजरी और एक्सीडेंट के कारण होती है। सभी ऑक्यूपेशनल डिजीज और एक्सीडेंट्स के पीछे हर साल पूरी दुनिया में $3 trillion जितना खर्चा हो रहा है और इन सभी ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट यानी दुर्घटनाएं और ऑक्यूपेशनल डिजीजेस यानी बीमारियों को रोकना और इसके पीछे हो रहे खर्चे को कम करना कोई भी कंपनी की प्रायोरिटीज होती है और होनी भी चाहिए। तो इसीलिए इन सभी ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट और ऑक्यूपेशनल डिजीजेस को रोकने के लिए और उसके कारण हो रहे खर्चे को कम करने के लिए कंपनीज HSE पर्सन हायर करती है और एज पर फैक्ट्री एक्ट ये सारी पोस्ट मैंडेटरी भी होती है। अगर इंडिया की हम बात करें तो एज पर फैक्ट्री एक्ट अगर कोई भी कंपनीज में 500 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो वहां पर एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करना कंपलसरी है, यानी कि लीगल रिक्वायरमेंट है। इसी तरह एनवायरमेंट इंजीनियर, फायर ऑफिसर, इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ डॉक्टर, वेलफेयर ऑफिसर, ये सारी पोस्ट मैंडेटरी है और जो कहीं ना कहीं हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट से जुड़ी हुई है।
तो चलिए अब हम जानते हैं कि क्यों हमें एचएससी फील्ड को चूज करना चाहिए। अब समय पहले जैसा नहीं रहा है। पहले लोग इंजीनियर बड़ी मुश्किल से बन पाते थे, लेकिन आज ऐसा टाइम है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट भी खाली रह जाती है। हर साल लाखों लोग बैचलर या इंजीनियरिंग डिग्री लेके बाहर निकलते हैं और सामने उतनी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही है। इसीलिए रेगुलर डिग्री वाले को जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बीएससी केमिस्ट्री या बी केमिकल की डिग्री है तो वो लेकर आपको जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और अगर जॉब मिल भी गया तो आप केमिकल इंडस्ट्रीज में या उससे रिलेटेड कोई इंडस्ट्रीज में ही काम कर पाओगे। लेकिन अगर आपने बी या बीएससी के बाद एचएससी में कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन ले ली तो आप केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल, बैंक, कंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेंट, कहीं सारी इंडस्ट्रीज में जॉब ले सकते हो और आपकी जॉब मिलने के चांसेस और स्कोप दोनों बढ़ जाएंगे और कॉम्पिटिशन भी कम हो जाएगी। और वैसे भी एक रेगुलर डिग्री के साथ एचएससी की एडिशनल क्वालिफिकेशन वाले लोग कम होते हैं, जिससे आपके जॉब प्रोस्पेक्टस भी बढ़ जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एचएससी में सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हो और सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए आपके पास कौन सी गवर्नमेंट अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। जय हिंद, जय भारत। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।